नमस्कार दोस्तों दोस्तों 38 फीट बाय 64 फीट में एक शानदार घर का वाकथ्रू बताएंगे, जो कि ये रेंट पर्पस के लिए बना हुआ है। अभी रेंट पर्पस क्या है? रेंट पर्पस बोलिए दो भाइयों के लिए घर का नक्शा। अगर आप यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से है, इसी के हिसाब से जो है यहाँ पे घर बन रहा है, जिसका हम वाकथ्रू दिखाएंगे। वह कहाँ पर बेडरूम, किचन, बाथरूम, ड्राइंग डाइनिंग होगा और कार पार्किंग के साथ। और अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में जो है खुद के रहने के लिए बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स की बात करें तो यहाँ टोटल नंबर्स में 5 रूम है फर्स्ट फ्लोर में, और ग्राउंड फ्लोर में जो आप देख रहे हैं 3 कार पार्किंग के साथ जो है 2 अलग अलग यूनिट फ्लैट है। यहाँ चलते हैं। तो अब यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले देखिए ये एरिया जो आपका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कार पार्किंग के लिए है, ठीक है। जो एरिया की अगर हम बात करें तो ये है आपका 29 फीट 1 इंची बाय 16 फीट 1 इंची का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ 3 कार पार्किंग हो गया, और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेयर केस सीढ़ी, ठीक है। ये हो गया मेरा सीढ़ी का एरिया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सीढ़ी एरिया हो गया। फिर अब यहाँ पे दो यूनिट हैं, दो यूनिट में एक ये फैमिली में जाने के लिए, एक ये फैमिली में जाने के लिए। सबसे पहले जो हम इधर वाला में चलेंगे, ठीक है, ये वाला में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे इंट्री केस को हम थोड़ा सब जो है अल्ट्रा वाइड में कर देते हैं, जैसे पूरा विजिबल रहे आपको। ये आपका है 11 फिट 8 इंची बाय 14 फिट 9 इंची का। ये आपका आ गया एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में 2 खिड़की, एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ, ये ड्राइंग रूम आपका हो गया। फिर यहाँ से इंट्री का है, इंट्री जैसे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको जो है डाइनिंग रूम, जो कि आपका है 10 फीट बाय 14 फीट 1 इंच डाइनिंग रूम हो गया आपका। ये पहला यूनिट पहला फैमिली के लिए जा रहा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल जाता हमें। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक बाथरूम मिल गया 7 फीट 5 इंच 5 फीट का, ये बाथरूम, ये किचन, ये किचन आपका जो है 7 फीट 5 इंची बाय 8 फीट 8 इंची का, ये आपका किचन हो गया। अब इस बाथरूम में लोअर्स लगेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपका जो है किचन का खिड़की रहा आपका यहाँ पे, और ये रहा। नेक्स्ट अगर हम आगे चलेंगे तो अब यहाँ पे जो है मिल गया हमें एक कॉमन बाथरूम, सॉरी अटैच बाथरूम ये है, जिसका दरवाज़ा हम जो है यहाँ पे दे रहे हैं, और ये अटैच यहाँ से अंदर एंट्री का है। तो यहाँ एक बाथरूम मिल गया जिसका साइज़ है 7 फीट 5 इंची में 4 फीट 4 इंची का। अब यहाँ पे ये बाथरूम का हो गया आप। यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है जो कि आपका है 11 फीट 8 इंची में 11 फीट का, मतलब जो है हम जो अभी आपको बता रहे हैं 2394 स्क्वायर फीट एरिया में लगभग जो है 2400 स्क्वायर फीट हो गया। ये उसके हिसाब से जो है दो अलग अलग फ्लैट बन रहा है, तो इसमें 2 BHK और 2 BHK मिल जा रहा है। ये देखिए बड़ा सा रूम मिल गया आपको। इस रूम की साइज़ की बात करें 12 फीट और 15 फीट 9 इंची, बहुत बड़ा रूम है ये। और इसका खिड़की आप यहाँ पर देखिए। तो पहला जो है भाई के लिए हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आगे, इसको चाहे आप रेंट पे लगाइए या दो अलग अलग अपना भाई भाई ले लीजिए, दोनों पर्पज़ के लिए बना हुआ है। आगे बढ़े तब इस फ्लैट से निकल जाते हैं हम। यहाँ से जैसे निकलेंगे अब पहुँचेंगे दूसरा में, तो यहाँ से हम फिर आगे कहाँ पे कार पार्किंग में। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो अभी काम चल रहा है मेरा, ये हम लोग का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो राउरकेला उड़ीसा में काम हो रहा है, और हम लोग जो है रांची में भी जो है काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे आएंगे तो आ जाएगा मेरा ड्राइंग रूम 12 फीट बाय 14 फीट 9 इंच का, ये ड्राइंग रूम आ गया। यहाँ पे इंट्री, यहाँ खिड़की रहेगा, और ये ड्राइंग रूम हो गया मेरा। अब यहाँ से बढ़ेंगे हम डाइनिंग में, देखिए ज़रा सा 10 फीट बाय 14 फीट 1 इंच का मेरा डाइनिंग एरिया हो गया, ठीक है। अब इस डाइनिंग से जो है इंट्री जो है यहाँ पे एक बेडरूम जो है, ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे
एक यहाँ पे बेडरूम है जो कि 12 फीट बाय 14 फीट 9 इंची का मेरा ये बेडरूम हो गया। डाइनिंग रूम से इंट्री है और इसका एक यहाँ पे खिड़की हो गया, ठीक है। और अभी ये ग्राउंड फ्लोर में काम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ हमें मिल जाता है कॉमन बाथरूम जो कि आपका 7 फीट 9 इंच 5 फीट का एक कॉमन बाथरूम यहाँ पर हो गया, जिसका जो है वेंटिलेशन आप वहाँ देख लीजिए। और यहाँ आपको मिल गया किचन 7 फीट 9 इंची पे 8 फीट 8 इंची का, ये मेरा किचन एरिया हो गया, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एक यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ मुझे मिल जाएगा अटैच बाथरूम, ठीक है। ये अटैच बाथरूम, ये बेडरूम में एंट्री के लिए अटैच बाथरूम हो गया। और यहाँ पे एक बेडरूम मिल गया मुझे 12 फीट बाय 11 फीट का बेडरूम। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है पीछे जाने के लिए रास्ता दिया गया, सेम उसी तरह दूसरा फ्लैट में भी था, तो हुआ क्लियर। तो दोस्तों ये था दोस्तों आपका जो है दो यूनिट का घर, शानदार। आप एक बार इसको देख लीजिए नक्शा और बताइए हमें कैसा लगा ये। अगर आप भी राउरकेला उड़ीसा चाहे रांची झारखंड के निवासी हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, घर का नक्शा अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन के साथ आपको सारा चीज़ हम लोग सर्विस देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर वाला फ्लैट में यहाँ से आएंगे तो यहाँ बालकनी मिल जाएगा, यहाँ से फिर जाएगा बेडरूम मिल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जो है आपको इसके साथ अटैच बाथरूम मिल गया, ड्रेसिंग रूम यहाँ मिल गया, यहाँ ड्राइंग डाइनिंग मिल गया, ये सिंगल फैमिली के लिए। इधर जो है डाइनिंग एरिया हो गया, इधर किचन, इधर स्टोर रूम, इधर बाथरूम, इधर एक बेडरूम बालकनी के साथ, इधर स्टडी रूम, इधर भी बेडरूम बालकनी के साथ, और इधर आपका जो अटैच बाथरूम हो गया, यहाँ पे कॉमन बाथरूम हो गया, और यहाँ पे इस बेडरूम के साथ जो अटैच बाथरूम हो गया। मतलब हर बेडरूम ऑलमोस्ट इस बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम और इस बेडरूम अटैच बाथरूम है। बस एक स्टडी रूम के लिए जो है बाथरूम नहीं है, जो कि आप जब कोई भी बाथरूम कॉमन यूज कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका एरिया 38 बाय 63 मतलब 2394 स्क्वायर फीट में शानदार घर का वॉक थ्रू। उम्मीद करते हैं ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल वा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस होता है। जब जब सिविल इंजीनियर कुमार को नया अपडेट लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।